आईसीसी वर्ल्ड कप 2019 में भारत ने अपने अजेय अभियान को जारी रखा है। रोज बाउल मैदान पर अफगानिस्तान के खिलाफ खेले गए मैच में टीम इंडिया ने अफगानिस्तान को 11 रनों से हरा दिया। इस मैच में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए अफगानिस्तान के सामने भारत ने 225 रनों का टारगेट रखा। जवाब में अफगानिस्तान की टीम 211 रन ही बना सकी। इस मैच में भारतीय गेंदबाजों ने दमदार खेल का प्रदर्शन किया। जहां पर बल्लेबाज फेल हुए, वहीं गेंदबाजों ने इस गेम को भारत की झोली में लाकर डाल दिया। आखिरी ओवर में मोहम्मद शमी ने हैट्रिक लेकर जीत टीम इंडिया की झोली में डाल दी। ये इस वर्ल्ड कप की पहली हैट्रिक रही। पहले तो इस मैच को काफ़ी हल्के में लिया जा रहा था, लेकिन जिस हिसाब से अफगानिस्तान ने बॉलिंग करी उसके बाद लगने लगा कि कहीं ना कहीं भारत हारती हुई नजर आ रही है। लेकिन आखिरी दो ओवर में बुमराह ने जो ओवर डाले और उसके बाद जो शमी ने हैट्रिक ली, उस वजह से जीत भारत की झोली में आ गिरी, वरना भारत अपने हाथों से ये मैच खोता हुआ नजर आ रहा था। तो दोस्तों, इस जीत का श्रेय आप किसे देना चाहेंगे हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं, और ऐसी कई और खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। MFI न्यूज़, हमेशा सच के साथ।